ये आप जहन में रखें, ये देखें न्योले टू न्योले, ये देखिए आपको बच के निकल जाते हैं। ये देखिए क्या ये तरीका लगाया होता था उस वक्त, है इसको हाथ से घुमाते होंगे ज़ाहिर है इस वक्त, और ये इतना मतलब कि आसानी से घूम जाता होगा, इसको इसका बैलेंस रखा गया होगा इस तरह कि ये आराम से घूम जाए। ये इसके लीवर वगैरह नज़र आ रहे हैं आपको, अब तो खैर नहीं हिलता ये फिक्स है, मैंने कोशिश की थी नहीं हिला, तो ये घूमता होगा डेफिनेटली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, और मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MUA स्पोर्ट्स। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि आज भी मैं शायद क्रिकेट पर बात करूँगा या क्रिकेट के हवाले से कोई बातचीत होगी, तो ऐसा नहीं है। आज ये जो पिछला वीलॉग मैंने किया था भावलनगर की सीरीज़ का, तो उसका ये नेक्स्ट पार्ट है, तो आप अगर चाहें तो उसको जाके भी देख सकते हैं। तो आज हम उसके दूसरे पार्ट में ये भावलनगर रेलवे स्टेशन जो इसका एरिया है सारे का सारा, उसको हम दिखाएंगे आपको, कवर करेंगे। तो वीडियो में साथ जुड़े रहिएगा, तो आपको इसका पूरा बड़ा ज़बरदस्त ये वीलॉग होने वाला है, और इसके बारे में आपको पूरे का पूरा व्यू दिखाते हैं इसका। तो अभी हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये है जी जो होता था बहावलनगर में रेलवे स्टेशन बहावल जंक्शन। तो ये है जी बहावल जंक्शन, बहावलनगर का ये मशहूर रेलवे जंक्शन होता था। अब तो खैर बंद है, यहाँ पे ट्रेनें वगैरह भी नहीं आती और ना ही यहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटी है, और बस इसकी बाकियात हैं यहाँ पे, और हम आपको इसको आगे से भी दिखाते हैं। अब तो खैर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इसकी, जब यह आबाद होगा तो क्या व्यू होगा इसका। ट्रेडिशनल जो एक स्टाइल होता है ना, आपको लोकल जो जंक्शन मिलते हैं वही इसके अंदर है, सारा इक्विपमेंट वगैरह सारा कुछ इंस्टॉल है यहाँ पे। और अगर आप इसको पढ़े, मैं यहाँ जूम करता हूँ, तो जी ये बहावल जंक्शन है जिसमें सम्मा सट्टा, चिश्तियाँ, मंडी सातकगंज, अमरुका, हरुणाबाद, फोटाबास, जिनके मतलब यहाँ तक भी इसकी जो यहाँ से ट्रेनें वो जाती थी, सम्मा सट्टा, चिश्तियाँ, चिश्तियाँ यहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर है मगरब की साइड की तरफ, उसके बाद मंडी सातकगंज जो मशरक़ की तरफ है तकरीबन इतना ही है, वो भी 45 से 50 किलोमीटर, और हरुणाबाद जो है वो इधर से आप शमाल की तरफ है और तकरीबन कोई वो भी 50-60 किलोमीटर है, और फोटाबास जो है वो हरुणाबाद से भी आगे है तकरीबन कोई 40-50 किलोमीटर। तो वहाँ तक पटरी वैसे मौजूद है, आप अगर जाएँ ना हरुणाबाद की तरफ या उधर फोटाबास की तरफ, तो पटरी पूरी की पूरी बिछी हुई है, फोटाबास तक बिछी हुई है, तो किसी दौर में ये चलती होंगी ट्रेनें वहाँ तक। फोटाबास यहाँ से तकरीबन मेरा ख्याल 100 किलोमीटर है यहाँ से, तो 100 किलोमीटर शमाल की तरफ और इधर बहावलपुर की तरफ और उधर मंडी सादकगंज की तरफ दूसरी तरफ, तो ये उधर भी तकरीबन मतलब कि 50 किलोमीटर तक का एरिया ये हर तरफ से ये कनेक्टेड था, और क्या वेल डिज़ाइंड था ये सिस्टम सारे का सारा, और ये जंक्शन था यहाँ से मतलब हर तरफ को ट्रेनें जो है वो जाती होंगी गुजरती होंगी। ये इधर से जो है वो ये इलाका जो है ये ज़ाहिर इधर चिश्तियाँ की तरफ से या भावलपुर की तरफ से ये आती होंगी ट्रेन। इसका हम सामने से व्यू दिखाते हैं आपको, बहावल जंक्शन, और बड़ा जाइगेंटिक किस्म का इसका जो है वो बनाया गया डिज़ाइन, और मतलब बड़ा मज़बूत, अभी तक पता नहीं 100-150 साल हो चुके हैं इसको, अभी तक भी सारा कुछ वैसे ही पायदार वैसे का वैसे खड़ा है इसका स्ट्रक्चर। तो ये इसका है व्यू, थोड़ा सा हम आगे चल के भी उधर से देखते हैं इसको। इसके साथ ही वो ना ये इनके रेस्ट एरियाज वगैरह भी हैं, और ये रोड गुजर रही है साथ, ये कनेक्टेड रोड है जो आपको पिछले दिन भी मैंने बताया था कि ये बाहर बाहर से ना चिश्तियाँ की तरफ निकलता है रोड, तो ये वो वाला है कनेक्टेड रोड आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये इधर इसकी यहाँ ट्रेनें वगैरह गुजरती हैं यहाँ से, और पटरियों का जाल बिछा हुआ है यहाँ पूरे का पूरा, ये आपको दिखाते हैं हम।
अच्छा ये मैं पैदल ही सारा कवर कर रहा हूँ इसको, क्योंकि जब आप पैदल कोई चीज़ कवर करते हो ना, आप सही मानों में इसको एक्सप्लोर करते हो। तो मैं फिर सुबह सुबह अच्छा लेट भी हो गया हूँ, मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि फजर के फौरी बाद निकलूँ और आके तो ये सारा एरिया इस तरह अगर करना हो तो करूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गई है। तकरीबन अब सूरज निकला आया है पूरा ना, तो धूप है। तो ये आपको मैंने एक बार इसका दिखा दिया, मैं अब आपको ना यहाँ पूरा वहाँ तक दिखाऊँगा जहाँ से शहर के अंदर दाखिल हो जाता है जाके ना। तो अब तो सिर्फ यहाँ ग्रीनरी है, यहाँ ये बाकी आते हैं इसकी, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर में सारा वो पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत। वहाँ एक जगह में ना मैं आपको दिखाता हूँ जाके कि जहाँ पे वो ट्रेन का जो इंजन है उसको घुमाया जाता था, आई थिंक वो सिस्टम था। तो वो भी दिखाते हैं आपको। 1968 में जी ये बना है, यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ जूम करके अगर आप देख सकें। सॉरी 1938 है ये, 1938। अब ये पता नहीं ये उस वक्त ही बना था या ये बिल्डिंग उस वक्त बनी है उसके ऊपर डेट लिखी हुई है। नहीं 1938 में नहीं बना होगा, मुझे लग रहा है इससे पुराना होगा शायद, क्योंकि पाकिस्तान बनने से तो काफ़ी वर्षा पहले का बना होगा ये। बहरहाल अभी ये मुझे इसकी हिस्ट्री जो है वो रियल टाइम पे मालूम नहीं है कि ये कब बना था। मुझे पता नहीं क्यों काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहे हैं यहाँ पे, कोई उनकी फौतगी वगैरह लगता हुई होगी। अच्छा जी, ये है जी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। क्या वैसे खूबसूरत आप नज़र आ रहा हो, ग्रीनरी चेक करें ज़रा यहाँ पे आप। सुबह सुबह का टाइम आवाज़ पड़ी हुई है तो बड़ा ही ज़बरदस्त ये मौसम है इस वक्त यहाँ पे, और लश ग्रीन जैसा सारा इलाका है। आपको शहर के अंदर ही ऐसी जगह मिल जाए तो ये बड़ी नायाब चीज़ होती है कि इतनी ज़्यादा ग्रीनरी। और अच्छा जी, अभी मैं आपको वो दिखाने लगा था जंक्शन, जहाँ पे जंक्शन सॉरी नहीं, जहाँ पे उसको घुमाया जाता था इंजन को मोड़ने के लिए, मैं आपको भी यहाँ से दिखाता हूँ। बड़ा ही ज़बरदस्त चीज़ हुआ है, क्या टेक्निक्स उस वक्त भी इस्तेमाल करती थी इंजीनियरिंग का, जो तरीका था। ये देखें इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा क्रिकेट भी खेलते रहे हैं, वो जगह भी दिखाऊंगा, वो पिच भी दिखाऊंगा यहाँ पे हम खेलते रहे। ये आपको सारा इसको दिखा रहा हूँ, ये देखें क्या ये तरीका लगाया होता था उस वक्त है, इसको हाथ से ही घुमाते होंगे ज़ाहिर है इस वक्त, और ये इतना मतलब कि आसानी से घूम जाता होगा इसको, इसका बैलेंस रखा गया होगा इस तरह कि ये आराम से घूम जाए। ये इसके लीवर वगैरह नज़र आ रहे हैं आपको, अब तो खैर नहीं हिलता ये, फिक्स है, मैंने कोशिश की थी नहीं हिला, तो ये घूमता होगा डेफिनेटली, इतना लोड उसको बैलेंस करके। ये जी वो पिच है जहाँ पे हम खेलते रहे हैं आके, बहुत ज़्यादा भी मैच हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं और बड़े यहाँ पे लोकल कम्युनिटी के साथ जानदार किस्म के हमारे मुकाबले हुआ करते थे। और जब शुरू शुरू में जब हवाला आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा खेलते थे आके शाम के टाइम या वीकेंड पे ऑफ डेज में। तो ये वापस आते हैं जी इसके स्टेशन के हवाले से जो बात हो रही थी,
तो ये तकरीबन आपको मैंने पूरा उसका घुमा शुमा के व्यू दिखाया है। और हाँ, एक चीज़ मुझे और याद आ गई, यहाँ पे एक यहाँ पे भी पिच होती थी। अब क्रिकेट की बात ही हो रही है तो क्रिकेट हम ले आते हैं घुमा के। ये तो खैर पटरी है, इसकी ट्रेन आपको नज़र आ रही होगी यहाँ से, पता नहीं मेरे होते हुए मैंने कभी नहीं देखा पिछले 4-5 साल में। ट्रेन शेन सर काफ़ी ऐसा पहले की बंद हो चुकी हैं। तो ये ना यहाँ पे कहीं एक और पिच होती थी, उस पर भी हम खेलते होते थे। अब तो खैर वो ख़त्म हो चुकी है, सारा मामला ही ख़त्म हो चुका है उसका। यहीं पे कहीं होती थी वो, तो यहाँ की लोकल कम्युनिटी जो लोग होते थे ना यहाँ रहने वाले, उनके साथ हम मैच लगाते होते थे शाम को, और बड़ा मज़ा आता था। अब गड़बड़ ये होगी कि मैं अब जिस तरफ जा रहा हूँ मशरक़ की तरफ, सूरज सामने से है तो शायद आपको व्यू जो है ना वो सही कवर ना कर सके। मैं कोशिश करूँगा इसको ये सही, यहाँ से मैं अब जाऊँगा पैदल तो वहाँ तक आपको जाके, तो सामने वो शादा कुल्फ़ी वाला है बड़ी मशहूर, उसके पास जाके ये रोड जो है ना ये जगह ख़त्म होगी और वहाँ से ट्रेन गुजर रही है। शहर के अंदर से फाटक है वहाँ पर, फाटक तो अब खैर ख़त्म हो चुका है, इसका एक गोदाम भी है वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा शायद थोड़ा सा। मैं आपको कोशिश करता हूँ जूम करके दिखाने की, ये तो वेल ब्रीफ्ड आपको जो है ना मैंने इसका सारा व्यू जो है वो दिखाया है और पूरे इसको कवर करने की कोशिश की है यहाँ सारे इलाके को। और ये सारा इलाका जो है ना वो जो पहला व्लॉग बनाया था उसमें भी आपने देखा होगा, सारी ग्रीनरी सी है यहाँ पे भी, लश ग्रीन सारा कुछ। और वैसे भी आजकल बरसात का मौसम है और बारिशें वगैरह तो खैर खूब हो रही हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा इस वक्त भी, आज सूरज निकला काफ़ी दिनों बाद और मुसलसल बारिश ही हो रही थी कई दिनों से। तो वैसे भी सारा इलाका जो है ना वो बिल्कुल ग्रीन है ये सारा एरिया जो है, तो लेकिन गर्मी बहुत पड़ती है ये आप जहन में रखें। ये देखें न्योले, दो न्योले, ये देखें आपको जूम करके दिखाता हूँ। छुप गए हैं देखते ही, बच के निकल जाते हैं, वैसे तो ये छुप जाते हैं देख के। नेवले सांप के दुश्मन होते हैं मेरा ख्याल है, ये सुना है। अच्छा जी, ये अब तकरीबन ये आप देख लें इधर से, पूरे एरिया को हमने कवर किया है यहाँ पे। और ये सारा इलाका जो सारी एरिया है ना ये रेलवे वालों का, यहाँ पे जो आबादियाँ हैं घर हैं सब कुछ है, जो कुछ भी सब कुछ ये इनके नाम है, रेलवे का ये सारा कुछ ना। और उसमें कुछ घर लोग घरों में रहते हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ आबाद हैं, ज़्यादातर जो गैर आबादी हैं। मैं यहाँ पर आगे आपको देखा ही होगा सारा कि यहाँ पे शायद बंदा भी आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आता। तो अभी तो ग्रीनरी नज़र आ रही ना फुल यहाँ पे आपको लग रहा होगा शायद, लेकिन जब गर्मी पड़ती है ना मई जून जुलाई में तो गर्मी भावनगर मशहूर है, कड़ाकेदार गर्मी पड़ती है जैसे कहते हैं, टॉप की जो गर्मी के इलाके हैं ना हाईएस्ट टेम्परेचर को अटेन करने वाले, उसमें भावनगर का नाम भी आता है। देखिए कितने कितने बड़े बड़े गार्डर ये हैं रखने वाले, कल लोहा चेक करें आप। अब तो आजकल ऐसा लोहा बन नहीं सकता ना, जगरा चाहिए उसके लिए। अच्छा जी, वो आ गया जी सामने छाता कुल्फ़ी वाला, बड़ा मशहूर है बहावलनगर में, जब भी कोई लोग आते हैं तो छाते कुल्फ़ी वाले की कुल्फ़ी ज़रूर खाते हैं। इसी के नाम इसका है इरशाद और छाता कुल्फ़ी वाला, निराला कुल्फ़ी वाला। तो यहाँ पर हम अपने व्लॉग को करते हैं एंड, और ये एरिया हमने कवर किया। होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और पिछली वीडियो जो पहला व्लॉग था उसको भी मैंने ऊपर कार्ड लगाया हुआ उसका, उसको भी देख लीजिएगा जाके, उसको भी काफ़ी ज़्यादा परिजराई मिली थी। तो उसमें इसका पहला हिस्सा मैंने कवर किया था दूसरी साइड से जब मैं आया था, तो आज मैंने दूसरा हिस्सा कवर किया कि जब मैं इसको स्टेशन की तरफ से होकर वापस गया हूँ। तो दुआ में याद रखें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अगला डेस्टिनेशन आहिस्ता आहिस्ता आपको तकरीबन भावनगर का ना पूरे का पूरा मैं आपको व्यू दिखाऊंगा।
इसके जो ग्राउंड्स हैं, उसके अलावा ज़ू भी है इसके अंदर, वाइल्ड लाइफ पार्क जिसको कहते हैं, और बाकी जितने भी इसके अंदर पार्क्स हैं, पूरे का पूरा जो व्यू है भावनगर का, पैदल चल के आपको कोशिश करूँगा दिखाऊँगा मैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा शहर नहीं, आप पैदल कवर कर सकते हो इसको ईजीली। मिलते हैं वीलॉग में, अल्लाह हाफिज़।